हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि किसी भी दो क्लास के बीच में, ठीक है, किस किस तरह का रिलेशनशिप बनता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो जो सबसे दो टाइप्स के रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, टू टाइप्स के रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है, ठीक है, दो टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। जो सबसे पहला होता है उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस, ठीक है, इसको इज अ रिलेशनशिप भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला होता है वो होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन होता है, ठीक है, और इसको हैज अ रिलेशनशिप भी बोलते हैं। हैज अ रिलेशनशिप भी बोलते हैं, ठीक है। एसोसिएशन जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। ठीक है, सबसे पहला जो होता है उसको एग्रीगेशन बोलते हैं। ठीक है, एग्रीगेशन, और जो दूसरा होता है उसको कंपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है उसको कंपोजिशन। गाइस, इस एक एक करके हम इस एक एक रिलेशनशिप को, ठीक है, इज ए रिलेशनशिप, हैज ए रिलेशनशिप, इसको हम लोग अगले वीडियो में एक एक करके बहुत डीपली समझेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा भी जाता है। ठीक है, कि रिलेशनशिप बिल्ड करने का क्या एडवांटेजेस है, और जब हम लोग किसी बड़े कंपनी के प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो वहाँ पर ये दो कम क्लासेस के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जानना। तो सबसे पहले इसका एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस में जो सबसे पहला एडवांटेजेस है वो है कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी एक कोड को, ठीक है, जैसे कि क्लास ए के अंदर, ठीक, हमने ये क्लास ए, इसके अंदर कुछ लाइंस ऑफ कोड लिख दिया। ठीक है, और एक ये अगर क्लास बी है, ठीक, इसके अंदर भी कुछ लाइंस ऑफ कोड लिख दिया। अब कुछ को इसी कोड का, ठीक है, यही सेम कोड का हमको ज़रूरत इस बी वाले क्लास में ही पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इनहेरिट कर लेंगे। ठीक है, इसमें यानी कि हमको लाइन ऑफ कोड्स कम हो गया। ठीक है, यानी कि इस यही सेम कोड अगर यहाँ लिखते तो लाइन ऑफ कोड्स और ज़्यादा बढ़ जाता, तो इससे अच्छा क्या किया कि हम लोग इसी को इनहेरिट करके और इसी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को बेनिफिट देता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कोड रीयूजेबिलिटी, यानी इसी कोड का हमने फिर से क्या कर लिया, यूज कर लिया। ठीक है, अगला जो है वो है कॉस्ट कटिंग। ठीक है, कॉस्ट कटिंग इस तरह से कह लेते हैं, ये आप लोग अभी नहीं समझिएगा, जैसे अब किसी कंपनी का प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, उस कंपनी के प्रोजेक्ट में कॉस्ट कटिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कॉस्ट कटिंग का मतलब, अगर जैसे कि यही कोड है, ठीक है, इसी लाइन कोड को लिखने में हम लोग को 5 दिन लगा, ठीक है, मानते हैं, ठीक है, तो और यही अगर सेम फिर से यहाँ पे यही कोड लिखेंगे तो एग्जैक्टली 5 दिन लगेगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, हम लोग का ये कॉस्ट जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट जब बढ़ जाएगा तो दिक्कत, प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को रीयूज करते हैं, तो इससे क्या होता है, कॉस्ट कटिंग होता है। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो है रिड्यूस रिडंडेंसी। ठीक है, रिड्यूस रिडंडेंसी का मतलब होता है कि जो अननेसेसरी कोड्स रहता है, जो कि एक्स्ट्रा कोड्स हो जाएगा, जैसे कि अगर यही काम अगर हम लोग दोबारा फिर से लाइन लिखे रहते हैं, ठीक है, मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड्स हो जाता, तो ये क्या करता है किसी भी का ये क्लास का, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम का को लाइन ऑफ कोड्स ज़्यादा हो जाता तो प्रोग्राम स्लो हो जाता है। ठीक है, तो जो अननेसेसरी कोड्स हो जाते हैं, जैसे कोड्स ये हो गया, अननेसेसरी कोड्स हो जाएगा अगर मल्टीपल टाइम्स इसी कोड को लिखते हैं, ठीक है, तो ये अननेसेसरी कोड हो गया। ठीक है, तो इसी सब को कम करने के लिए
लिए हम लोग रिड्यूस रिडंडेंसी का यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि इसका एडवांटेज में रिड्यूस रिडंडेंसी हो गया, ठीक है, कॉस्ट कटिंग हो गया, कोड रीयूजेबिलिटी हो गया, ठीक है, ये इसका मेन एडवांटेजेस है। तो गाइस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इसको इनहेरिटेंस कह रहे हैं, ये टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप को और अच्छे से डीपली विथ एग्जांपल समझेंगे, ठीक है। इज ए रिलेशनशिप, हैज अ रिलेशनशिप, एग्रीगेशन, कंपोजिशन, ये सबको हम लोग डीपली समझेंगे, ठीक है। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं इसको इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ खास करके टाइप्स जान लेते हैं और एडवांटेजेस, ठीक है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर कहीं पर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक है, आप लोग वहाँ जा कर के कुछ इंपॉर्टेंट जावा का क्वेश्चंस देख सकते हैं, ठीक है। वो आप लोग को एग्ज़ाम बेसिस और इंटरव्यू के बेसिस पे हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।